स्टूडेंट्स, आज हम अल यूसुफ लॉ अकेडमी का पहला जो है लेक्चर तैयार कर रहे हैं और हमारा पहला लेक्चर है द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रपोजल। प्रपोजल में ऐसे होता है कि जब भी हम किसी को कोई चीज़ अगर देते हैं या कोई चीज़ भेजते हैं तो सबसे पहले हम अपना एक प्रपोजल उसको बना के दिखाएंगे कि ये काम हमारा है और ये हम चीज़ें आपको दे रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे प्रपोजल। सपोज ए अगर कोई चीज़ बी को दे रहा है तो सबसे पहले क्या करेगा, ए एक प्रपोजल बना के बी को दिखाएगा। अगर बी एग्री हो गया उस प्रपोजल पे और उस वो प्रपोजल उसको सही लगा तो बी उससे कॉन्टेक्ट करेगा, वरना बी की मर्जी है। उसके बाद आता है प्रॉमिस। प्रॉमिस से ऐसे होता है कि प्रपोजल जो है जब भी उसने अगर बनाया हुआ प्रपोजल किसी ने एक्सेप्ट कर दिया, उस पर एग्री हो गया, तो उसको हम प्रॉमिस कहेंगे। प्रॉमिस के बाद आता है प्रॉमिसर। प्रॉमिसर वो होता है अ पर्सन मेकिंग द प्रपोजल इज कॉल्ड प्रॉमिसर। जिसने प्रपोजल बनाया और उसको हम क्या कहेंगे, प्रॉमिसर। प्रॉमिसी, प्रॉमिसी वो होता है प्रॉमिसर ने जो प्रपोजल बनाया। सपोज ए ने प्रपोजल बनाया उसको हम कहेंगे प्रॉमिसर और बी ने उस प्रपोजल को एक्सेप्ट किया, उसको हम कहेंगे क्या, प्रॉमिसी। प्रॉमिसर और प्रॉमिसी। आज का हमारा शॉर्ट लेक्चर था ये चार के ऊपर। आई होप आप लोगों को पसंद आएगा।